यूज़ ऑफ कंप्यूटर डी स्टूडेंट्स मुझे आपसे इस मॉड्यूल में कम्प्यूटर का इस्तेमाल लैंग्वेज डिवेलपमेंट के हवाले से इस, इस पर बात करनी है द यूज़ ऑफ कम्प्यूटर इन लैंग्वेज डिवेलमेंट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर बहुत तेजी से ये इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है ड्यू टू दाइड स्प्रेड अवेलेबलिटी ऑफ द कम्प्यूटर्स एंड द इंटरनेट कम्प्यूटर और इंटरनेट की बहुत ज़्यादा इस अवेलेबलिटी की वजह से और इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ता जा रहा है कम्प्यूटर बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग सी बी एल एल ऑफरज न्यूम्रस बेनिफिट्स बहुत से बेनिफिट्स ये पेश करता है ए सेल्फ़ बेस्ड लर्निंग तो बच्चों को ये अपनी रफ्तार से सीखने में मदद देता है पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन तो जाती जो इंस्ट्रक्शन है जिस तरह की इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बेस पर जिस तरह के बच्चों के लेवल होगा उसके मुताबिक उसमें ये आपको कम्प्यूटर मदद फ्राहम करेगा एंड इमिजिएट फीडबैक और इमीजिएट फीडबैक भी आपको मिल सकता है अ हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ़ टेक्नोलॉजी यूज इन लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग तो ये आपके सामने एक तस्वीर नज़र आ रही है जिसपे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी हिस्टोरिकल जो डिवेलपमेंट है वो कैसे हुई तो आप देखें ऑडियो विजुअल मटीरियल्स फ्रेरी एज अ पार्ट ऑफ हिज डिवेलपमेंट एंड ऑडिट लिटरेसी लर्निंग सर्कल यूज ऑडियो विजुअल तो ये फ्रेरी ये बड़ा मशहूर एजुकेशनिस्ट है जिसने लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से इसको यूज़ किया कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इन द मिड नाइनटीन सिक्सटीज़ कम्प्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जिसे सी आई ए का नाम दिया जाता है ब्रीफ है डिज़ाइन फॉर द यूज़ इन लैंग्वेज तो ये लैंग्वेज के इस्तेमाल में इसको यूज़ किया गया फिर कम्यूनिटी लैंग्वेज लर्निंग नेक्स्ट इसकी जो स्टेज है बाई द नाइनटीन सेवेंटीज़

टू सपोर्ट कम्यूनिकेशन वाया वेब नाइनटीन ऐटीज़ नाइनटीन ऐटीज़ और अब हम यानी इसके चालीस तरतालीस साल बाद अब आप अंदाज़ा करें कि इसमें किस हद तक या कितनी डिवेलपमेंट हो चुकी है यूज़ ऑफ़ कम्प्यूटर सम ऑफ द वेज कम्प्यूटर कैन बी यूज़ फॉर लैंग्वेज डिवेलपमेंट इंक्लूड इसमें कुछ कैसे शामिल हैं क्या क्या शामिल हैं तो लैंग्वेज लर्निंग सॉफ्टवेयर लैंग्वेज लर्निंग के सॉफ्टवेयर हैं

तो इस तरह हम ये कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से ऑनलाइन रिसोर्स में सो देर आर मैनी ऑनलाइन रिसोर्स अवेलेबल फॉर लैंग्वेज लर्नर सच एज लैंग्वेज लर्निंग वेबसाइट्स ऑनलाइन रिसोर्स एंड एजुकेशनल वीडियोज़ और सम एग्ज़ाम्पल्स इंक्लूड बी बी सी लैंग्वेज लैंगवेज और लेंगुएस और कोरसरा कोसरा ये ए, एक लाइसेंसिंग है बाकायदा मैंने ख़ुद भी इसमें एडमिशन लिया हुआ है ये इंटरनेशनल एक पाकिस्तान में ये एच के थ्रू ये इसको इम्प्लीमेंट किया गया है और ये दुनिया में मुख्तु कोर्सेज़ सिखाने के लिए एक बहुत ही बड़ा सोर्स है और ये आलमोस्ट एक एक लाइसेंस के अंदर आपको छः या सात कोर्सेज़ का आपने पढ़ने होते हैं तो फिर लर्न बाय डूइंग और यूजिंग टेक्नोलॉजी है शॉर्ट अटेंशन स्पैम है और डिजिटल इनोवेशनस इन द प्राइमरी स्कूल है और ओरल रिकॉर्डेड सॉन्ग्स हैं राइम्स हैं ई बुक्स हैं पॉडकास्ट्स हैं वीडियो क्लिप्स हैं तो ये कितने ही सोर्सेज हैं जिनको हम कंप्यूटर में आ, हमें ऑफर करता है और दुनिया में अब यूज़ हो रहे हैं नेक्स्ट लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स तो लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स में जैसे टेंडम एंड हेलो टॉक प्रोवाइड लर्नर्स विद द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस देयर लैंग्वेज स्किल्स विद नेटिव स्पीकर्स नेटिव स्पीकर फ़र्ज करें हम यहाँ पाकिस्तान में हमारी सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश वी आर सेकेंड लर्नर्स हम नेटिव स्पीकर जो जिनकी जे नेटि लैंग्वेज है जैसे यूके अमेरिकन उनके साथ हम किस तरीके से हम बातचीत करके हम इंटरेक्शन करके उनका प्रोनन्सिएशन और उसको हम सुन सकें उसकी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकें और प्रोवाइड लर्नर्स विद

एंड प्रोवाइड लर्नर्स विद अ सेफ स्पेस तो सीखने वालों को एक सेफ स्पेस फ्राहम करेगी टू प्रैक्टिस देयर लैंग्वेज स्किल्स उन अपनी लैंग्वेज स्किल्स की प्रैक्टिस करने के लिए सो लैंग्वेज लर्निंग गेम्स इनका भी इस्तेमाल होता है कंप्यूटर्स में लैंग्वेज लर्निंग गेम्स सच एज वर्ल्ड मूवर एंड हैंगमैन कैन बी फन वे द प्रैक्टिस वैकेबलरी एंड ग्रामर तो ये प्रैक्टिस और ग्रा, ग्रामर सीखने के लिए वर्ड्स बिल्डिंग सीखने के लिए और तरह तरह के इस्तेमाल हैं जिनको हम कंप्यूटर के ज़रिए सीख सकते हैं स्पीच रेकग्निशन सॉफ्टवेयर तो ये सॉफ़्टवेयर भी यूज़ होते हैं जैसे गूगल वॉइस टाइपिंग है कि आप इवन आपके मोबाइल्स पर भी ये uh, मौजूद है ये uh, मेरी नवासी है छोटी पाँच छः साल की वो इसको यूज़ करके वो वो चीज़ें मतलब सर्च कर लेती है तो ये बड़ा इसी तरह का लैपटॉप पे भी कंप्यूटर पे भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है एंड ड्रैगन नेचुरली स्पीकिंग और कैन बी यूज़ टू इम्प्रूव प्रोनंसीशन स्पीकिंग स्किल्स तो ये चीज़ें हैं जिनको हम कंप्यूटर में ये मुखलिफ सोर्स हैं जो कंप्यूटर के इस्तेमाल से हम जिनको हमें एक्सेस मिल सकती है और जिनको हम अपनी लैंग्वेज लर्निंग के लिए अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट में और इम्प्रूवमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं